वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम चरण है। सियासी दल भी एड़ी चोटी का जोर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाकर। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने सचिन पायलट को उपचुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। अपने दो दिवसीय चंबल दौरे पर सचिन पायलट ने करेरा विधानसभा की नरवड़ तहसील में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद करेरा विधानसभा गए, जहां उन्होंने प्रत्याशी में जोश भरा। तो वहीं बाद में पायलट जौरा और ग्वालियर पे पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट डालने की अपील की, बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। तो एमपी के रण में सचिन पायलट और सिंधिया के गढ़ में पायलट की हुंकार। मैंने तस्वीर को देखा जहां पर कि पायलट साहब इस क्षेत्र में पहले आए थे 20-22 साल पहले। मैं राजस्थान से आता हूं, वहां का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, सरकार में मैंने काम किया और हमारे जिले दूर नहीं आते जिलों से। हमारा और मध्य प्रदेश का रोटी पेटी का संबंध है। आज भागीरथ जी हमारे बीच में खड़े हैं और इन्होंने तो बोल दिया कि मैं दो साल के लिए बनने वाला नहीं हूं, तो लंबी सारी खेला चाह रहे भाई। इस बार तो काम करवाने की ही बात देखी जाएगी और आपके बीच में बहुत काम किया। ये बेचारा गरीब आदमी दो टीम हार चुका है, अब इसको जिता के भोपाल भेजो, अपना कर्तव्य निभाओ। और हम सब सामूहिक रूप से आपसे कहना चाहते हैं, आज संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक नेता का नहीं है, आज संघर्ष सोच का है। ऐसी सोच जो नागपुर में बैठकर केंद्र की सरकार को कठपुतली बनाकर चलाती है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं, अरे चौतरफा मार दिया किसान को। फसल का दाम नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, बिजली नहीं, समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं। कानून में संशोधन कर बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दरवाजा खोलकर किसान को लूटने का काम करते हैं। और देखो हिम्मत इनकी, किसान के साथ धोखा कर किसान की छाती पे चढ़कर हाथ जोड़कर वोट और मांग रहे। वोट तो कहीं मिलेगा नहीं। नेता वही होता है जिसके पीछे जनता होती है, ना पार्टी ना पद ना पुस्तक। और जनता जिसके साथ रखती है, जनता कोई मूर्ख नहीं है। जनता कम पढ़ी लिखी हो सकती है, गरीब हो सकती है, जज्बाती हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। नेता मुंह से क्या बोलता है जनता जानती है, इसके पेट में क्या है, उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है कि नहीं दिखती, जनता सारी बात मानती है। और बटन वहीं दबाती है मन करता, ना लाठी से, ना पैसे से, ना लालच से, जनता जनार्दन है। ये चुनाव निबट जाए, इसकी दिवाली अच्छी बना देना, इनकी दिवाली बन जाए, गोवर्धन की पूजा हो जाए, उसके बाद आज तो इन्होंने हमारे उम्मीदवार के सामने प्रचार के लिए बुला लिया। ना रोटी, ना खाना, ना चाय, भूखे पेट भेज रहे हो, आप जीत जाए उसके बाद चक्की रोटी खाने के लिए दोबारा